अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको सिंपल शलवार की कटिंग सिखाऊंगी। इसके लिए हम सबसे पहले जो भी आपके पास फैब्रिक है वो उसको डबल तय करके आपने प्रेस कर लेना है, देखिए इस साइड पे, और इस साइड पे अगर कोई इसमें तिरछा बन है कपड़े में वो बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है। देखिए डबल अब मैंने इसको तय कर लिया है। मेरे पास ये शलवार से थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा था इसलिए मैं इधर से कटिंग करूंगी ताकि ये गाया नहीं। सबसे पहले हम जो भी साइज लेना चाहते हैं शलवार का वो हम साइज करेंगे, जो भी आपको शलवार हुई हो या जो भी आप साइज रखना चाहते हैं। ये मेरा 37 है, 37 इंचीज है। अब आप यहां से साइज कर लें। अगर आप अंदर से ही फोल्ड करना चाहते हैं इसको तो फिर ये मैंने 2.5 का मार्जिन दिया है, और अगर आप एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना चाहते हैं तो फिर आप 1/2 इंच सिलाई के लिए छोड़कर उसकी स्टार्ट कर लेंगे इसकी लेंथ। लेकिन मुझे इसको अंदर से इसके अंदर से ही ऐसे फोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ, ये इजी है जरा, इसलिए 2 इंच का ये मार्जिन छोड़कर हमने स्टार्ट किए हैं। 37 इसकी लेंथ है तो हम 37 पर आकर 2 इंच इसके नेपे के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे जो अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे। 39 से आप निशान लगा लेंगे, ऐसे ही आप इसको फिर मजीद फोल्ड करके ताकि आप को परेशानी ना हो इसका इस साइज पे भी निशान लगा लेंगे। आप इसको स्ट्रेट लाइन ऐसे लगाएंगे इसकी। बिल्कुल स्ट्रेट हो गया ये, देखिए फिर आप इसकी आसन का साइज कर लेंगे, जो भी साइज है इसका 16 है तो इधर से आप 1/2 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा छोड़ें और 2 इंच हमने नेफे के लिए छोड़ा था, 18 हो गया इसकी आसन का, 18 इंच हो गया है। यहां पर आप निशान लगा लेंगे। लेकिन आप यहाँ पर आसन का निशान लगाते वक्त इसमें मैं कपड़ा डालूंगी, जैसे मैंने डाला हुआ है यहाँ से, फिर शलवार में थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा डाल दो, पल्ली इसको कहते हैं, तो इजी रहती है शलवार। तो इसके लिए आप इसकी आसन तकरीबन 2 इंच बड़ी रखेंगे, 2 इंच इसको बड़ा निशान लगाएंगे ताकि बाद में साइड पे कटिंग में वो 2 इंच निकल जाए। ये अब आपने तकरीबन 1 इंच का मार्जिन छोड़कर आपने इसका निशान लगाने है और कटिंग करनी है। ये यहां तक करेंगे फिलहाल। अगर आपको शलवार आपकी काम या खुली है तो आप उसको यहां पर कपड़ा जो है ज्यादा छोड़ सकते हैं या और भी टाइट कर सकते हैं अगर जैसे आप करना चाहें। ये देखिए अब यहां से जो हमने निशान लगाया था स्ट्रेट वो भी हम कट कर लेंगे। ये जो कपड़ा है हमारा इधर से निकला है ये ही हम यहां पर रखकर ऊपर डाल देते हैं, ऐसे ही रखा जाता है, यहां से स्टार्ट करेंगे। यहां से जितना भी आप यहां से थोड़ा करना चाहें शलवार को आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं। अब हमने इसका आसन लिया था, लेकिन ये था रेडी हुआ 15 इंच का, 15 इंच ऊपर से 2 इंच हमने ये छोड़ देना है निकल के लिए, 15 इंच यहाँ पे बन रहा है और 1/2 इंच हम तकरीबन सिलाई के लिए। अब आप जितना भी खुला रखना चाहें इसको रखकर निशान लगा लें यहाँ से, मैं तकरीबन इतना रखती हूँ 3 इंच का, ये 15 इंच है और 1/2 इंच आप इसके लिए सिलाई के लिए छोड़ दें, तो स्ट्रेट आप निशान लगा लें ऐसे, बाकी जो आप कट करते हैं। आप
ये देखें, ये आप बहुत ही अच्छी सी इसकी शेप आ जाएगी, इधर से भी आपकी शलवार जो है वो खुली हो जाएगी, ये नेक आपका इधर से हो जाएगा, इधर से आप जितनी भी खुली रखना चाहें वो हो जाएगी। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए, मगर इससे पहले मेक श्योर करें कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और नीचे लाइक के बटन को भी दबाना है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।